करौली में दिव्यांगों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। चितरंगनी के एक घर में 3 बच्चे दिव्यांग हैं, जिनको योजना का लाभ नहीं मिलने से वे दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। पूरा परिवार बेरोजगार होने की वजह से परेशानियों का सामना कर रहा है। दरअसल ग्राम पंचायत क्षेत्र नौड़िया के एक ही परिवार के 5 बच्चों में 3 बच्चे दिव्यांग हैं। इन दिव्यांग बच्चों के पिता अपनी बेरोजगारी की वजह से बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ हैं। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा की सुनवाई में पहुँच कर श्याम सुंदर पनिका ने बताया कि हमारे 5 लड़के लड़कियाँ हैं, जिसमें से 3 बच्चे दिव्यांग हैं। शासन के द्वारा हमें किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा है। वही हमारी जमीन NCL गोरवी द्वारा अधिग्रहित करके ले ली गई है, इसके बावजूद भी हमें किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिल पा रहा। इसके साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायत से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर वे ग्राम पंचायत से लेकर जिला मुख्यालय के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग व रोजगार नहीं मिला। जिसके बाद राजीव रंजन मीणा ने दिव्यांग बच्चे के पिता व बच्ची की मदद का आश्वासन दिया है। मेरी समस्या ये है कि मेरे पिताजी बेरोजगार हैं, उनको रोजगार चाहिए और हमको भी कुछ इसमें साइकिल चाहिए, क्योंकि साइकिल मिली है वो हाथ वाली है, तो हमको बैटरी वाला चाहिए। और मेन बात है पापा को रोजगार चाहिए। हम 3 भाई बहन इस तरह हैं, तो फिर घर में बेरोजगार रहेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे? आगे बढ़ने के लिए कुछ तो चाहिए ना रोजगार। वो तो बात हुई तो वही अर्जी लिख के दिए हैं, तो गए लेबर में, तो लोग बोल रहे हैं कि यार रोजगार, हम तो रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। हम बोले सर तो कैसे हम अपना बच्चा पालेंगे भाई, जगह ज़मीन तो है नहीं, घर द्वार था NCL ले लिया, और पहली बार हमने कंपनी में काम भी किया है, तो भाई हमको रोजगार चाहिए। अभी एक बालिका आई थी जिसने अपनी जो कि उन्हें एक मोटरेट साइकिल की उन्होंने बताया था कि वो आवश्यकता है, तो हमने उनके जो हमारे अधिकारी हैं उनको उस आवेदन के निराकरण करने के दे दिया है, और उसको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें जो भी वो सहायता हम अपने स्तर पर दे पाएंगे वो उनको वहाँ प्रदान करेंगे। उसके लिए एक बार हम जो सामाजिक न्याय कैसे उनकी जो वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए हम वहाँ भेजेंगे, और जो भी जो शासकीय जो हमारी योजनाएं हैं उसके अंतर्गत हम किस तरीके से उनको लाभान्वित कर सकते हैं, जिससे कि वो अपना जो पारिवारिक स्थिति है उसके बारे में वो समाधान कार्य कर पाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।